लास्ट ईयर जब मैंने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस देखा था, आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे बिकॉज दैट वॉज द बेस्ट मूवी मेड ऑन मल्टीवर्स। और मुझे लगता था इससे बेटर मल्टीवर्सल मूवी फ्यूचर में शायद ही कभी बनेगी, अनटिल आई सॉ दिस। वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी सिनेमैटिक। और आज आप देख रहे हैं स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ऑनेस्ट सिनेमैटिक रिव्यू। सो दैट्स बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले स्टोरी के बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं, एंड डोंट वरी, वीडियो फुली स्पॉयलर फ्री है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो ग्वेन स्टेसी से फिर से मिलने के बाद ब्रुकलिन का फुल टाइम फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन मल्टीवर्स में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना स्पाइडर पीपल की एक टीम से होती है, जिस पर उसकी एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व की रक्षा करने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि जब हीरोज एक नए खतरे को संभालने के तरीके पर आपस में भिड़ जाते हैं, तब माइल्स खुद को दूसरे स्पाइडर्स के खिलाफ खड़ा पाता है। अब उसे जल्द ही फिर से रीडिफाइन करना होगा कि हीरो होने का क्या मतलब है, ताकि वो अपने चाहने वालों को बचा सके। इन सबके बीच में आगे पीछे ऊपर नीचे जो भसड़ मचती है, जो बवाल होता है, वो विटनेस करने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस मूवी इज अ प्योर मास्टरपीस एंड अ ट्रू मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। किसी भी मूवी को मास्टरपीस कहना एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट होता है। अब हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि अक्रॉस द स्पाइडर वर्स क्यों एक प्योर मास्टरपीस मूवी है। तो सबसे पहले नंबर वन, एनिमेशन। कोई भी मूवी बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक स्टेप है विजन, कि ये मूवी एक्चुअली क्या बनने वाली है। और अगर बात विजन की आए तो उसका 100% आउटपुट सिर्फ एनिमेशन के थ्रू आ सकता है, एंड दैट्स वाई दिस मीडियम ऑफ फिल्म मेकिंग इज रियली रियली हार्ड। और बात अगर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की करें तो डेफिनेटली ये मूवी दुनिया में बनी अब तक की सबसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी है। 2 घंटे की इस मूवी में आपको अंदाज़ा नहीं है आप कितने तरह के एनिमेशन देखने वाले हो, और एनिमेशन का हर एक वर्जन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है। एग्जाम्पल के लिए, इंडियन स्पाइडरमैन की दुनिया में साइन बोर्ड्स, दुकान के टेम्पलेट्स और साउंड्स के कॉमिकल एलिमेंट्स को हिंदी में लिखा गया है। सो इससे अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि मेकर्स और टीम ने इन 5 सालों में कितनी मेहनत की है। नंबर 2, स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। मल्टीवर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे हैंडल करने के लिए बहुत ही क्लेवर राइटिंग की ज़रूरत होती है, जिसे एकदम बेस्ट वे में लास्ट ईयर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने हैंडल किया था। बट इस बार स्पाइडरमैन ने तो राइटिंग वाइज उसे भी पीछे छोड़ दिया है। मूवी मल्टीवर्स के साथ साथ कैरेक्टर्स और उनके डायनेमिक्स एंड इमोशंस को भी बहुत ही खूबसूरत वे में प्रेजेंट करती है। मल्टीवर्स एक्सप्लोर और एक्शन के टाइम पर स्क्रीन प्ले पूरा मैडनेस से भर जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, स्टोरी कहीं पर भी स्ट्रेची या बोर फील नहीं होती। नंबर 3, म्यूजिक। मूवी ख़त्म होने के बाद घर जाके डेफिनेटली स्पॉटिफाई पर अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करने वाले हो। म्यूजिक इतनी अच्छी है और साथ ही बहुत डिटेल्ड भी। फॉर एन एग्जांपल, माइल्स जब इंडिया पर आता है, म्यूजिक फट से इंडियन टोन पर शिफ्ट हो जाती है। म्यूजिक में सितार तबला का यूज़ हम नोटिस कर सकते हैं, और एक्शन के टाइम पर बजने वाला BGM एक्शन सीक्वेंस को एलिवेट करने में बहुत मदद करता है। नंबर 4, एक्शन। स्पाइडरमैन की मूवी हो और एक्शन अच्छा ना हो, ये कभी हो सकता है? अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का एक्शन बहुत ही कूल और फ्लैशी है, और एनिमेशन के फील्ड में स्पाइडरवर्स का एक्शन एक बहुत ही हाई लेवल सेट करता है, जिसे शायद स्पाइडरवर्स का 3rd installment फ्यूचर में अचीव कर पाएगा। ओवरऑल एक्शन ऑफ दिस मूवी इज प्योर जेम। अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो मुझे पर्सनली मूवी में कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। बट आपको कोई भी एस्पेक्ट मूवी का नेगेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने थॉट्स को कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। सो ओवरऑल स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक प्योर मास्टरपीस मूवी है। मूवी एक्शन, इमोशन और मल्टीवर्स के मैडनेस से भरपूर है। यह मूवी आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो। मूवी के एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन्स नहीं है, सो एंडिंग के बाद वेट करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। माई रेटिंग्स फॉर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इज 5 out of 5। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी ऑसम। I looked at my uncle and... Let me guess. He died?